हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और टैली प्राइम में आपने कंपाउंड यूनिट तो जरूर बनाया होगा, या ना बनाया हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की ये वीडियो इसलिए हो जाती है क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि आखिरकार एडवांटेज क्या है कंपाउंड यूनिट बनाने का। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि कंपाउंड यूनिट कैसे बनाया जाए और इसका क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेना है आपको। ये टैली प्राइम मैं ओपन कर रहा हूँ, टैली प्राइम का एजुकेशनल मोड पे ही मैं दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से आपको कार्य करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टैली प्राइम ओपन हो रहा है। अब ये टैली प्राइम ओपन हो चुका है, यहाँ से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड करते हैं और यहीं पर जो भी कंपनी हमारे पास है इसमें से कोई भी कंपनी हम चूज कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर एक कंपनी हमारे पास है न्यू कंपनी शॉप, इसी को चूज कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है न्यू कंपनी शॉप, ये हमारी कंपनी का नाम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपाउंड यूनिट बनाना है। अब सपोज कीजिए कि हम पेन सेल करते हैं, पेन बेचते हैं, तो हमारे पास पेन का स्टॉक होना चाहिए। तो देखिए कैसे आपको कंपाउंड यूनिट तैयार करना है। सबसे पहले ये क्रिएट ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ पर ये गेटवे ऑफ टैली आपको नजर आ रही होगी, इसे टैली की मेन मेन्यू कहते हैं। और यहीं पर रहते हुए आप क्रिएट पे आ जाइए, जैसे आते हैं ये एक नई मेन्यू खुलती है और यहाँ पर आपको आना है यूनिट पर। तो ये देखिए इन्वेंटरी मास्टर्स के अंदर आपको कहाँ आना है, यूनिट पर आना है। ये जो यूनिट दिखाई दे रहा है यहाँ पर आ जाइए और एंटर कर दीजिए। जैसे ही आते हैं तो एक बार आपको बैक स्पेस की प्रेस करना है, बैक स्पेस की प्रेस करते ही आपको दिखाई पड़ेगा दो यूनिट, एक कंपाउंड यूनिट और एक सिंपल यूनिट। तो चलिए हमें बनाना है क्या कंपाउंड यूनिट, तो हम कंपाउंड यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ कंपाउंड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे पेन जो है ₹3 वाला पेन आप खरीदते होंगे तो पैकेट में भी बिकता है और ₹3 या ₹4 का भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अल्ट सी करके हम बनाते हैं पीकेटी नाम से, यानी पैकेट नाम से। ठीक है, फॉर्मल नेम चाहे तो आप यहाँ दे सकते हैं PACKET पैकेट हो गया। और यहाँ पर आप पैकेट कर सकते हैं, पैक्स कर सकते हैं, पैकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पैक्स कर देते हैं हम। ठीक है, UQC कोड इसका डाल सकते हैं, तो ये पैक्स कर दिया और डेसिमल प्लेसेस 0 रख दिया। तो ये हो गया, आप एक पैकेट में 4 पेन आएंगे, कितने आएंगे 4 पेन आएंगे। और सेकेंड यूनिट हमारी क्या बनेगी, तो सेकेंड यूनिट जो बनेगी वो बनेगी पेन्स या पीसेस कर देते हैं, PIECES पीसेस। ठीक है, सेकेंड यूनिट हमने कर दिया पीसेस। और यहाँ पर आकर के और फॉर्मल नेम में आपको क्या करना है, यहाँ PCS लिख देना है पहले और यहाँ लिख देना PIECES, ये हो गया पीसेस। और यहाँ पी प्रेस करेंगे, देखिए पीसेस भी आ रहा है PIECES, ये पीसेस भी आ रहा है और यहाँ पर 0 ही रख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ सेकेंड यूनिट में ऑटोमेटिक पीसेस आ रहा है, देखिए यहाँ पे आने लगा। अब आपको क्या करना है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये एक्सेप्ट हो गया हमारा। अब ये एक्सेप्ट होने का फायदा क्या हुआ उसको भी देखना होगा। तो चलिए अब पहले हम परचेज में एक एंट्री कर लेते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि आखिरकार इसका एडवांटेज क्या रहा, हमने इतना काम किया तो इसका फायदा क्या हुआ। ठीक है, यानी कंपाउंड यूनिट बनाने का फायदा क्या हुआ। तो वी बटन प्रेस करके आ जाते हैं वाउचर में। और यहाँ से कहाँ जाना है, सबसे पहले परचेज में आना है। तो परचेज वाउचर में हम एंट्री पास कर लेते हैं, सप्लायर द्वारा जो बिल मिला है उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। और सपोज कीजिए कि एक नई पार्टी है जिसका नाम है हिना, और यहाँ सी लिख देता हूँ, आपको पता लगता रहेगा कि ये क्रेडिटर पार्टी है। वैसे आप नहीं भी लिखेंगे तो भी मालूम हो ही जाता है। यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा मतलब ग्रुप दे देता हूँ और यहाँ पर आप एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। बाकी यहाँ पर अगर ईवे बिल देते हैं तो इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करा सकते हैं। यहाँ पर आते हैं तो परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टॉक आइटम हमने बनाया पेन, क्या बनाना है पेन। ठीक है, तो ये लिखा पेन और एंटर किया। और यहाँ पर हमें कंपाउंड यूनिट रखना है, तो ये नीचे आपको कंपाउंड यूनिट दिख रहा है तो ये हमने रख दिया। इसके लिए स्टैंडर्ड रेट आप चाहे तो सेट कर सकते हैं, फिलहाल सेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एंटर करेंगे और इस पर बाय डिफॉल्ट GST जो लगा है वो 5% का हमने लगा भी दिया है। अब मान लीजिए कि आप 5 पैकेट और 3 पेन या 2 पेन बेच रहे हैं, तो यहाँ पर 5 पैकेट बेचना है तो यहाँ 5 लिख देंगे सीधा सीधा यहाँ, या ₹14 का। ठीक है, ₹14 का एक पैकेट है तो 5 पैकेट कितने का हुआ, ₹70 का हुआ। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए कि आपको एक बेचना है या दो बेचना है तब क्या लिखेंगे, तो फिर यहाँ पेन का जो स्टॉक आइटम है उसे मैं इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए पेन आ भी गया है, देख सकते हैं ये पेन लिखा हुआ आ रहा है, इसको इंसर्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको एक पैकेट और दो पेन बेचना है तो एक लिख करके डैश दे दीजिए दो, तो यहाँ पे एक पैकेट और दो पेन हो गया। ठीक है, और आपको रेट क्या डालना है, रेट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ₹14 पैकेट है रेट। ठीक है, ₹14 पैकेट ही रेट है, तो अगर मैं 14 डालता हूँ यहाँ पे
तो यहाँ पर 21 रुपए ही आ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 21 रुपए आ रहा है, यानी कि एक पैकेट में कितने पेन है, एक पैकेट में चार पेन है, ठीक है, और चार पेन की कीमत कितनी है, 14 रुपए है, लेकिन यहाँ पर चार और दो छह पेन है, तो छह पेन की कीमत यहाँ 21 रुपए आ रही है। लेकिन अगर बात करें एक पैकेट की, अगर सिर्फ मैं एक पैकेट रखता तो क्या आता, तो यहाँ पर अगर मैं एक पैकेट रख रहा हूँ, ये पैकेट हो गया और 14 रुपए का एक पैकेट है, तो यहाँ 14 ही रुपए आ रहा है। देखिए यहाँ पर 14 ही रुपए आ रहा है, लेकिन एक पैकेट और दो पेन रख रहा हूं तो यहाँ पर ये टोटल हो जा रहा है 21 रुपए। ये ध्यान दीजिएगा, ये एडवांटेज है, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मान लीजिए फिर आपको पेन लेना है, और इस बार क्या करना है, इस बार हमें दो ही पेन लेना है, पैकेट यहाँ पे दे दिया हमने एक पैकेट, लेकिन एक पैकेट के बाद हमें क्या करना है, एक पेन भी रखना है। तो देखिए एक पैकेट और एक पेन का दाम कितना हो गया, 17 रुपए 50 पैसे, देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर आएंगे तो जीएसटी के लेजर्स आएंगे, तो सीजीएसटी लगा दिया हमने, फिर यहाँ पे एसजीएसटी लगा देंगे, तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया। अब यहाँ पे नरेशन डाल देंगे जो भी आपका हो, तो यहाँ दे देंगे द गुड्स। अब देखिए सेल्स में जब एंट्री करेंगे तो बड़े आसानी के साथ एंट्री होगी, आपका नेगेटिव कैश नहीं आएगा, हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट यानी उधार, तो ये क्रेडिट कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये हो गया। अब इसका बिल कैसा दिखेगा, तो देखिए बिल हमारा ये वाला है, नीचे वाला देखिए 128 रुपए का बिल है ये, और अल्ट पी कीजिए, एंटर कीजिए, और यहाँ पे इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, ये इसका प्रीव्यू है, ठीक है। तो देखिए पीसेस को पीस, अब देखिए ये एक पैकेट और दो पीसेस हैं, यहाँ पे एक पैकेट ही है, यहाँ पे पांच पैकेट है, तो जैसे जो दिया गया उसके हिसाब से यहाँ पर ये कैलकुलेट भी हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेल्स वाउचर में एक बार, ताकि सेल्स को भी हम लोग देख लेते हैं, तो वी बटन प्रेस करके और F8 प्रेस करके आ जाते हैं सीधा कहाँ, सेल्स वाउचर में। अब यहाँ पर हम कैश में सेल कर रहे हैं, ठीक है, अब कैश में सेल कर रहे हैं, तो ये आए और मान लीजिए कि यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर आए तो सेल्स का लेजर आ जाएगा। अब यहाँ पे पेन की ही बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे एक जैसे लगाते हैं तो यहाँ एक पैकेट आ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर वन और वन करता हूं तो इसका मतलब कि एक पैकेट और एक पेन हो जाता है, ठीक है, और इसकी कीमत कितनी है, तो इसकी बिक्री रेट जो है थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसकी बिक्री रेट है 20 रुपए, तो 20 रुपए के हिसाब से देखिए एक पेन जो है, अब एक पेन की कीमत भी यहाँ आ जा रही है 25 रुपए, यहाँ पे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 20 रुपए पैकेट है तो यहाँ 20 ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर पेन किया और यहाँ पे आता हूं मैं, दो पेन, तो यहाँ पे 0- देके 2 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे दो पेन की बात आएगी, तो यहाँ 20 रुपए पैकेट ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे दो पेन का ही दाम आ रहा है निकल करके, ठीक है, बड़ा कमाल का चीज है ये। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे आता हूँ, मान लीजिए आपको तीन पेन करना है, तो 0-3 कर दीजिए, और यहाँ 20 रुपए पैकेट ही आप डालिएगा, लेकिन तीन पेन का ही दाम आएगा, देखिए यहाँ पे तीन पेन का ही दाम आ रहा है। अब यहाँ पर आइए और आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दीजिए, तो ये सीजीएसटी हो गया और यहाँ पे ये एसजीएसटी हो जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर एंटर एंटर करके आप इसे यहाँ पे नरेशन दे दीजिएगा, द गुड्स हैव बीन सोल्ड, यहाँ पे बेचा जा रहा है तो सोल्ड, ठीक है, विथ कैश, यहाँ पे कैश कर दिया और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, ई इनवॉइस भी आपकी जनरेट हो जाएगी, ठीक है, अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हैं टैली का। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कंपाउंड यूनिट वाली व्यवस्था आपको समझ में आई होगी जरूर, कि कंपाउंड यूनिट क्या है और इसका क्या यूज है एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने कमेंट, अपने सुझाव और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।